हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज हम अगला पार्ट करेंगे डीएसएसबी पीआरटी पार्ट बी। साइकोलॉजी के प्रीवियस पेपर्स को हम कर रहे हैं और इसी में अगला सेक्शन है। देखिए, 14 तारीख के जो पेपर ले रही है उसमें बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, आई थिंक 3 शिफ्ट थी, और तीनों शिफ्ट के पेपर जो है बारी बारी से मैं 10-10 क्वेश्चन के साथ करवा रही हूँ आपको, तो ये डेट इसीलिए लंबी खिंच रही है। ओके, दूसरी चीज ये है कि हर आपको जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको बता दूं कि हर एक 10 क्वेश्चन की सीरीज के साथ मैं एक थ्योरी टॉपिक कराती हूँ लास्ट में, और आज का जो थ्योरी टॉपिक होगा वो होगा जनरल टीचिंग मूव्स आइडेंटिफाइड बाय हेंडरसन। ठीक है, एक बिल्कुल नया और करंट टॉपिक है, और इससे एक इस जो आज के 10 क्वेश्चन इनमें क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए जरूर देखिए एंड तक वीडियो को, क्योंकि मैं लास्ट में थ्योरी पार्ट कराती हूँ। आई थिंक 7 to 8 मिनट्स का थ्योरी पार्ट होता है, शॉर्ट में करा देती हूँ आपको, ताकि चीजों की आपको नॉलेज हो जाए। सो ये थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली। अपने नोट जरूर बनाएं, क्योंकि जितने भी शॉर्ट साइकोलॉजी के नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिशियल है। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे, इनको जरूर आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए वीडियोस का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की अपनी 10 क्वेश्चंस की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल विच कैन बी यूज्ड अबाउट कॉटन इंडस्ट्री। सो इनमें से कौन सा एक ऑडियो विजुअल मटेरियल का, यानी कि एवी मटेरियल जो होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है, अगर हम कॉटन इंडस्ट्री को समझने के लिए यूज किया जाए, मतलब आपको कपास उद्योग के बारे में जानना है तो आप इनका यूज करेंगे, आप मतलब एज ए टीचर बच्चों के लिए इसका यूज करेंगे। सो ये बताना है। सो फर्स्ट है, व्हाइल टीचिंग अबाउट कॉटन इंडस्ट्री द टीचर कैन शो ए वीडियो क्लिपिंग टू द स्टूडेंट्स शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो जब आप टीचिंग कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, तो टीचर कैन शो ए वीडियो क्लिपिंग, तो टीचर जो है एक वीडियो क्लिपिंग दिखा सकता है, बेसिकली एक वीडियो दिखा सकता है जिसमें आपको इंडस्ट्री के स्टेजेस के बारे में पता चलेगा कि स्टेज वन में ये करते हैं, स्टेज टू में ऐसा होता है, स्टेज थ्री में ऐसे होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यूजिंग ए चार्ट विद पिक्चर्स एंड मैप्स शोइंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, यानी कि सूती उद्योग के औद्योगिक केंद्रों के स्थानों को दर्शाने वाले चित्रों और मानचित्रों के साथ एक चार्ट का उपयोग कर सकते हो। ऑब्वियसली विजुअल का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो का ही यूज करेंगे, यहाँ पे आप विजुअल्स का भी यूज करेंगे, तो चार्ट और ये सब जो है बच्चों के लिए विजुअल का काम करेंगे, सो ये भी होगा। ऑर्गेनाइजिंग ए डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स टू ऑन द वेरियस यूजेस ऑफ कॉटन। सो ये एक एवी एड नहीं है, एवी एड बेसिकली जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आप कोई ऑडियो सुना रहे हैं, आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं, आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो वो ऑडियो विजुअल एड का काम करता है। सो डिस्कशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, थर्ड इसमें नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड यहां पर ऑप्शन सही होंगे, सो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड बाय यूजिंग टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी। अगर आप बच्चों को नई वोकैबुलरी सिखा रहे हैं, हमें पता है कि बच्चों की वोकैबुलरी धीरे धीरे ग्रो करती है और सिखानी भी हमें पड़ती है। इवन कॉन्वेंट स्कूल में मैंने देखा है कि वो प्रॉपर एक वोकैबुलरी का पूरा चार्ट देते हैं बच्चों को पूरे साल के लिए, उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स वो डेली कराते हैं, कुछ वीकली कराते हैं, तो ये वोकैबुलरी लर्न कराने के कुछ तरीके होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का, पेरेंट्स का या टीचर्स की अपनी एक अप्रोच हो सकती है। सो बेसिकली क्वेश्चन है कि आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट चेक प्रोनंसिएशन एंड से द वर्ड अगेन। तो क्या करेंगे आप, बच्चों को कहेंगे कि आप रिपीट करो, प्रोनंसिएशन को चेक करेंगे वो कि वो उच्चारण सही कर रहे हैं कि नहीं, और फिर वो दोबारा शब्द को दोहराएंगे, तो ये एक तरीका हो सकता है। बेसिकली देखिए, जब हम याद करने की चीज होती है ना, वैसे आप ये मत जाना इस पे कि नहीं ये तो पुराना मेथड है इसको हम यूज नहीं करेंगे, नहीं, कुछ चीजों में आपको ड्रिल की जरूरत होती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस की कई जगह पर हमें जरूरत होती है, जैसे टेबल्स जब बच्चे लर्न करते हैं तो उसमें भी ड्रिल कराई जाती है, इस तरह से इसमें भी ड्रिल की जरूरत होती है। आस्क इंडिविजुअल पीपल्स टू रिपीट द वर्ड एंड देन आस्क द होल क्लास अगेन। ठीक है, आप इंडिविजुअल को कहेंगे कि वो एक वर्ड पढ़े और सारी क्लास उसके पीछे रिपीट करेगी इस चीज को। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर ये है कि आपको नई वोकैबुलरी सिखानी है तो आप कैसे करेंगे, इनके अलावा भी आप काफी चीजें यूज कर सकते हैं, आप पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, आप एक्टिविटी करा सकते हैं कोई भी। सो मतलब ये कौन सी टेक्निक्स है जो फॉलो कर सकता है, तो दोनों ही फॉलो हो सकती है यहाँ पर, बोथ एंड 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे नहीं हो सकती आप ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अप्रोच की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपको नई वोकैबुलरी लर्न करानी है, इंट्रोड्यूस करानी है उसको, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों ही बिल्कुल यहाँ पर ठीक होंगे, मतलब विच कैन बी फॉलो, जो आप फॉलो कर सकते हैं तो ये भी फॉलो अप हो सकता है आपका। सो 1 and 2 जो है आपके दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखो डीएसएसबी जो गलत आंसर देती है ना आज के क्वेश्चन, आज के पेपर में आप देखना एक क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल गलत दे रखा है, आई थिंक आज के में है, नेक्स्ट वीडियो में होगा, मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं है, पर मैंने क्वेश्चन की पीपीटी बनाई थी और मैंने देखा बिल्कुल गलत क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ जहां पर गलत लगेगा मुझे।
विच आर द फॉलोइंग थिंग्स ए साइंस टीचर शुड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग अ ईयरली प्लान. तो एक साइंस टीचर को ईयरली प्लान बनाना है, मतलब ईयर का एक प्लान बनता है ना, ईयरली प्लानिंग आप करते हैं कि इस साल में आपको क्या क्या पढ़ाना है या कौन कौन सा सिलेबस कैसे कवर कराना है. तो ये साइंस टीचर को बनाना है ना फोकस. ही और शी नीड्स टू एनालाइज द कंटेंट एंड प्लान फॉर टीचिंग लर्निंग रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग. सो उसको क्या करना है, उसको कंटेंट को एनालाइज करना है, प्लान करना है टीचिंग लर्निंग के लिए, रिवाइज करना है टेस्टिंग के लिए, सब ठीक है. ही ऑल्सो मस्ट कंसिडर द हॉलीडेज एंड वेकेशन वाइल अलॉटिंग द टाइम फॉर ईच यूनिट. सो भाई बिल्कुल, जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है कि वीक में अगर 3 छुट्टियां हैं तो आपको 3 दिन में क्या कवर कराना है, या फिर इन 3 दिनों का टाइम पीरियड जो है आप यहां पर उसको एडजस्ट करेंगे या जैसे भी करेंगे. सो आपको बिल्कुल वेकेशन का अंदाजा होना चाहिए कि साल में कितनी छुट्टियां आएंगी, कितने वर्किंग आवर्स आपको मिलेंगे, ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है स्टार्टिंग में. तो दोनों ही ठीक है, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय हेंडरसन एज द जनरल टीचिंग मूव्स रिक्वायर्ड बाय साइंस टीचर टू टीच एनी रोल. ठीक है, सो हेंडरसन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कुछ टीचिंग मूव्स के बारे में बात की है. इसी को आज मैं कवर करूंगी थ्योरी टॉपिक पे, क्योंकि ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, और इवन आप लोग सर्च करने जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं मिलता है ऐसी टॉपिक्स पर. सो ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि हेंडरसन ने कौन कौन से टीचिंग मूव्स के बारे में बात की है. तो प्लीज एंड में जरूर देखें, आप लोग स्किप करते हैं बिल्कुल मेहनत बेकार जाती है फिर मेरी. ठीक है, फिर मैं वीडियोस यही सोच के बनाती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को पकड़ लूँ जो आपको नहीं पता है. ऑब्वियसली कुछ जनरल चीजें आपको पता होती है, लेकिन कुछ जो नहीं पता होती है उनको कोशिश कराने की, उनको पूरी कराने की कोशिश करती हूँ. सो इसके बारे में आज हम थ्योरी टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं. सो कौन कौन से रूल है, स्टेटमेंट रूल, क्लासिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड एप्लीकेशन. सो आपको बता दूं कि ये सारे ही रूल हेंडरसन ने दिए थे, चारों के चारों ही करेक्ट होंगे. अब इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो लास्ट तक देखना वीडियो, लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं. ठीक है, ये सारे रूल्स के बारे में बताऊंगी लास्ट में. हेंडरसन ने चारों रूल दिए हैं तो थ्योरी पार्ट में करा दूंगी आपको अभी इसी वीडियो में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, बेसिकली आप ये कहते हैं कि ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब है आप सभी को ले आइए अंदर. ठीक है, सभी को हम ले आते हैं अंदर और फिर पढ़ाते हैं. हमें नहीं पता किसी की क्या स्पेशल जरूरतें हैं, उसको स्पेशल अटेंशन देनी है कि नहीं देनी है, पर बेसिकली हमें सारे बच्चों को कंबाइन करना है, चाहे इसमें वो स्लो लर्नर हो, चाहे स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हों, या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, या होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एकीकृत शिक्षा प्रणाली. सो ये जो हो रही है इंडिया में, एकीकृत शिक्षा प्रणाली हो रही है, सो इसका कौन सा मॉडल जो है इंडिया में प्रैक्टिस में नहीं है, ये पूछा है. फंक्शनल ग्रुप, इटिनरेंट टीचर एंड रिसोर्स रूम और रिसोर्स सेंटर. ठीक है, देखो रिसोर्स रूम, रिसोर्स सेंटर क्या होते हैं, रिसोर्स पर्सन होता है. ये रिसोर्स पर्सन कौन होते हैं, इटिनरेंट टीचर होते हैं, जो बेसिकली घुमक्कड़ शिक्षक आप इनको कह सकते हैं. जैसे मान लीजिए 4-5 स्कूल है, 4-5 स्कूल के लिए एक रिसोर्स टीचर दे दिया गया है कि ये सारे स्कूल्स में जा जाकर, और मतलब जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी नई पॉलिसी चीजें आती है तो उनके बारे में अवेयर कराएगा, उसके बारे में टीचर को टीच करेगा, साथ ही साथ स्कूल को भी टीच करेगा किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है. सो ये तीनों ही चीजें होंगी. बट फंक्शनल ग्रुप जो है ये कोई प्रैक्टिस में नहीं है इंडिया में, अगर हम बात करें तो, कि कुछ कार्यात्मक समूह बना दिए हैं सरकार ने और वो जा रहे हैं, तो ऐसा अभी तक कुछ एक्टिव नहीं है इंडिया में. इंडिया में ये तीनों चीजें चल रही हैं कि रिसोर्स रूम्स होते हैं, रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, और ये इटिनरेंट टीचर होते हैं. बेसिकली जो रिसोर्स टीचर्स होते हैं, जिनको मेंटर टीचर बना दिया जाता है कुछ 4-5 स्कूलों के लिए, तो स्कूल से ये टीचर लिए जाते हैं और इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, सॉरी थोपना नहीं कहूंगी, सौंप दी जाती है कि ठीक है, आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो है आप मेंटर टीचर रहेंगे और आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाकर टीचर्स को मतलब यू नो ट्रेन करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे इस तरह से. सो ये तीनों चीजें हैं, बट 5th का ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, जो इंक्लूड नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है इंडिया में. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पासी टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी हैज 4 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ए पास्ट कार्ड, चैपल एंड द लाइक. ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन है जो आपके लिए थोड़ा सा अटपटा होगा. सो ये टेस्ट जो होते हैं, ये क्रिएटिविटी के लिए टेस्ट होते हैं. ठीक है, इनको पासी टेस्ट बोलते हैं. और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, सारे इसी चीज के टेस्ट हैं. लेकिन इसमें ये पूछा है किस पर्टिकुलर टेस्ट में हम 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर बच्चों को कहने ये कहते हैं कि आप पिछले कार्ड चैपल, इस तरह के दोषों को लिखने और समस्याओं को लिखने के लिए उनको हम कहते हैं. तो बेसिकली इसका आंसर होगा सीइंग प्रॉब्लम यूजेस टेस्ट. ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इसका भी आपको एक अलग से थ्योरी क्लास लूंगी, शॉर्ट थ्योरी में उसी में आपको समझाऊंगी, क्योंकि यहां पर समझाना इज नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. तो इनमें से कौन सी एक मेजर स्टेज नहीं है डेवलपमेंट की बच्चों में, अगर हम बात करें तो.
अडल्ट एडोलेसेंस लेटर चाइल्डहुड और इन्फेंसी। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, तो हम बेसिकली एडोलेसेंस तक ही बच्चों को पढ़ते हैं कि हम मानते हैं कि एडोलेसेंस की अवस्था जो होती है उसी तक हम बच्चों को स्टडी करते हैं, उसके बाद अडल्टहुड में हम चले जाते हैं। तो इन्फेंसी भी होगी, लेटर चाइल्डहुड भी और एडोलेसेंस भी। अडल्ट जो है ये बड़ों के लिए है, ये बच्चों की स्टेजेस हम नहीं बोलते इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सी कोई लर्निंग नहीं है ये बताना है। साइकोमोटर, इफेक्टिव, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉग्निटिव। इस क्वेश्चन में आप बहुत गलती के चांसेस होते हैं मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे कई बच्चे बोलेंगे मैडम इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव भी होगा, साइकोमोटर भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर आप बता सकते हो तो। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इफेक्टिव। इफेक्टिव इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, जो आप बोल रहे हैं ना वो होता है अफेक्टिव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिव एंड इफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन आपने सुना है, साइकोमोटर सुना आपने, कॉग्निटिव सुना है। ठीक है, लर्निंग, अब लर्निंग की बात है यानी कि अधिगम, साइकोमोटर लर्निंग होती है जब आप अपनी मोटर स्किल्स पर कंट्रोल करना सीखते हैं, फाइन मोटर स्किल्स या फिर लार्ज मोटर स्किल, फाइन या हो सकती है या फिर बड़ी वाली जो मोटर स्किल्स होती हैं आपकी, जो आप लेग्स हैंड्स मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो साइकोमोटर लर्निंग होती है। डिस्क्रिमिनेशन भी एक टाइप की लर्निंग है, मतलब आपको दो चीजों में डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। ये जब आप कंसेप्ट सीखते हैं ना, किसी चीज का कंसेप्ट मैपिंग होती है, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो वहां पे आप दोनों कंसेप्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना भी सीखते हो, तो ये एक टाइप ऑफ लर्निंग होती है डिस्क्रिमिनेशन करना भी। और कॉग्निटिव तो आपको पता ही है, संज्ञानात्मक की बात होती है, इसमें हायर ऑर्डर स्किल्स भी आपकी आ जाती है। लेकिन इफेक्टिव मतलब प्रभावी लर्निंग, कुछ ऐसा नहीं होता कि ये प्रभावी लर्निंग होगी। प्रभावी तो एक मेजरमेंट है कि आपको लर्निंग किस लेवल तक हुई है ना, लेकिन टाइप ऑफ लर्निंग ये नहीं होगा। तो याद रखिए ये अफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 6 to 8। अब ये देखो बिल्कुल प्रॉपर आरटी एजुकेशन एक्ट पर क्वेश्चन आया है और डीएसएसबी ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो अगर किसी को लगे कि मैडम आपने तो ये बताया है, डीएसएसबी में ये आंसर दिया हुआ है, तो मेरी बात मान लो भाई, बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही है। राइट टू एजुकेशन 6 to 8 के लिए ये कहता है कि अगर एक क्लास में 35 बच्चे हैं तो एटलीस्ट एक टीचर उनके लिए होना चाहिए। 1:35 का रेशो उन्होंने 6 to 8 का बताया है। आप आरटी का गैजेट खोलेंगे, उसमें साफ साफ क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसके लिए। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ बच्चे शायद क्वेश्चन के चक्कर में वीडियोज नहीं देख पाते हैं जो लास्ट में बनाती हूँ, तो मैं सारी वीडियोज को कंबाइन करके भी आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अलग से डाल दूंगी। साइकोलॉजी शॉर्ट्स के नाम से पीडीएफ बना दूंगी और उसके थ्रू मैं डाल दूंगी, सॉरी प्लेलिस्ट बना दूंगी और उसके थ्रू मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग ये वीडियोस भी अलग से देख पाए। मैं छोटे छोटे वीडियोस से आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो ये 1:35 का रेशो है। और ये भी बोला गया है कि अगर एडमिशन 100 से ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे एक फुल टाइम हेड टीचर भी होगा। 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर। ये प्रॉपर आरटी एजुकेशन गैजेट एक्ट में दिया हुआ है, दोनों ही यहाँ पर सीख होंगे, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन डीएसएसबी ने इसका आंसर ए दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। इस चीज को आप जान ले। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस चीज के लिए आरटी एजुकेशन एक्ट का गैजेट पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ेंगे, बहुत लंबा एक्ट है। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है तो मुझे तो बिल्कुल क्लियर कट तरीके से ये पता है और मैंने एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया है। जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं रीचेक करती हूँ कि कोई डीएसएसबी ने गलत तो नहीं दिया है, उसके बाद ही आपके लिए लेकर आती हूँ। सो ये आंसर डीएसएसबी ने गलत दिया है, ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्बल क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। सो वर्बल क्रिएटिविटी की बात है, यानी कि मौखिक रचनात्मकता क्या होती है, उसका एक प्रकार कौन सा नहीं है। मौखिक में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कोई गाना एकदम से आपने किसी को एक टॉपिक दे दिया और बच्चे ने फटाफट से गाना सुना दिया उस टॉपिक पर बनाकर, सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। हर कोई तो एकदम से गाना नहीं बना सकता ना। एक एग्जाम्पल और जिसका एग्जाम याद नहीं आ रहा नाम उसका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें एकदम से आपको टॉपिक मिलता है, उस पर आपको बोलना होता है ना। चलो ठीक है छोड़ो, इस तरह की चीज होती है। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एकदम से कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो अगर आप बहुत अच्छा बोल पाते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मान लीजिए 10 बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, एक बच्चा बहुत बहुत बढ़िया बोलता है, उसका एक पॉइंट में जान होती है और एकदम से उसने बोला है, तो वो क्रिएटिव है, उसकी वर्बल क्रिएटिविटी है। तो सिंगिंग, नैरेटिंग, स्टोरीज, कंपोजिंग म्यूजिक, ये सारे ही वर्बल क्रिएटिव के एग्जाम्पल है। लेकिन एक गैजेट को यूज करना एक टेक्नोलॉजी का काम है, ये इसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी। सो ये आपका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। सिंगिंग, नैरेटिंग, स्टोरी और कंपोजिंग म्यूजिक, ये सारे ही ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जनरल टीचिंग मूव्स आइडेंटिफाइड बाय
हेंडरसन। सो हेंडरसन ने कुछ टीचिंग मूव्स के बारे में बात की है, हम उनको देखेंगे एक बार कि उन्होंने कौन कौन से टीचिंग मूव्स की बात की है। हालांकि ये आपके पिछले क्वेश्चन में जो टीएसएसबी में क्वेश्चन इससे पूछा गया था उसमें वो चारों रूल दिए हुए थे और उसका ऑप्शन भी चारों के चारों ही थे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये हेंडरसन ने किस चीज के बारे में बात की है और ये किस अप्रोच के अंदर आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक अप्रोच की जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी अप्रोच। ठीक है, एक्सपोजिटरी अप्रोच। एक्सपोजिटरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक टीचिंग, आप इसको साइंस में भी यूज कर सकते हो, आप इसको मैथमेटिक्स में भी यूज कर सकते हो। एक अप्रोच है टीचिंग की, बेसिकली टीचिंग पढ़ाने के, हम कहते हैं ना कुछ अप्रोचेस की बात करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, किन किन मेथड से हम टीचिंग करा सकते हैं। सो इट इज एन अप्रोच, एक अप्रोच है किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। सो एक्सपोजिटरी अप्रोच में क्या होता है, इसको हम ट्रांसमिशन अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि स्थानांतरण अप्रोच भी बोल सकते हो, कि आप कह सकते हो कि यहां से यहां पर नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिशन अप्रोच इसको बोला जाता है। इसी के अंडर हेंडरसन ने जनरल टीचिंग मूव्स की बात की है। तो यानी कि अगर हम जनरल टीचिंग मूव्स जो हेंडरसन ने आइडेंटिफाई किए हैं वो एक्सपोजिटरी अप्रोच के अंतर्गत आते हैं, पहले तो ये चीज याद रखो। इसको हम ट्रांसमिशन अप्रोच भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर, यहां से यहां पर इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिटेड होती है। अब होता क्या है कि यहां पर टीचर जो है, टीचर बच्चों को, यानी कि टीचर स्टूडेंट को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने की कोशिश करता है बहुत ही मिनिमम टाइम में, यानी कि समय आपके पास बहुत कम होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें बच्चों को सिखानी होती हैं। तो ये बेसिकली है आपकी एक्सपोजिटरी अप्रोच। अब इस पर जो है, अगर हम एक्सपोजिटरी अप्रोच की बात करें तो ओजवेल जो थे, जिन्होंने अपनी लर्निंग का भी, ओजवेल ने लर्निंग भी दी हो, लर्निंग मॉडल भी है इनका एक, तो ओजवेल जो है उन्होंने, वो इसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं एक्सपोजिटरी अप्रोच के, डेविड पी ओजवेल बोलते हैं उनको, ठीक है, वो इनके कर्ता धरता है। लेकिन हेंडरसन ने भी इस अप्रोच के अंतर्गत ही अपने कुछ जनरल रूल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। तो बेसिकली हेंडरसन के चार रूल्स हैं, चारों रूल्स पर डीएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है पीआरटी वाले एग्जाम में। पहला है आपका स्टेटमेंट रूल, ठीक है, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन रूल, तीसरा है आपका जस्टिफिकेशन रूल, और अगर हम चौथे की बात करें तो वो है एप्लीकेशन रूल। ठीक है, स्टेटमेंट रूल, स्टेटमेंट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे आप देख लेना हिंदी में इसका मतलब। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब आप एक तरह से वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद जस्टिफिकेशन, आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि आपके स्टेटमेंट के बारे में, और फिर वो है एप्लीकेशन। सो बारी बारी से देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्टेटमेंट रूल की, सो स्टेटमेंट रूल क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, आप एजर्शन बताते हैं, एजर्शन बनाए जाते हैं, या तो आप टीचर के बारे में कह लीजिए या फिर स्टूडेंट के बारे में कह लीजिए। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं पहले आपको तो ये बता दूं कि जो हेंडरसन थे, हेंडरसन ने बहुत सारी ऑडियो टेप्स को एक बार स्टडी किया था, मतलब बच्चों की ऑडियो टेप्स को, टीचर्स की ऑडियो टेप्स को स्टडी किया था, और उसके बाद उन्होंने चार रूल्स निकाले थे। तो सबसे पहले वाले रूल में क्या होता है कि यहां पर इसको हम एजर्शन मूव भी कहते हैं। एजर्शन का मतलब होता है अभिकथन, अभिकथन या फिर बल देकर किसी चीज को कहते हैं। तो वो कहा जाता है या तो बच्चे के द्वारा कहा जाएगा या टीचर के द्वारा कहा जाएगा। सो ये पहला रूल हो जाता है स्टेटमेंट रूल, कि कोई स्टेटमेंट आपने कही है, किसी बात को आप रख रहे हैं, तो वो टीचर के द्वारा भी रखी जा सकती है, बच्चे के द्वारा भी रखी जाती है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन रूल। तो यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर बेसिकली आप एग्जांपल सा काम करते हैं। अब यहां पर आप अपनी स्टेटमेंट को या किसी चीज को एग्जांपल्स के थ्रू आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, आप सामने जाकर प्रदर्शनी कर सकते हैं उस चीज की। उसके बाद आप प्रूफ भी ला सकते हैं कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट कही है या ये बात मैंने आपको बताई है, इसका प्रूफ ये है, इसके एग्जाम्पल्स ये है, इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं। आप डिस्कशन भी यहां पर कर सकते हैं, मतलब कि एक डिस्कशन को आप यहां पर सब रूल बना सकते हैं। आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ कि ठीक है ये स्टेटमेंट है, तो उसके ऊपर आप अपने ओपिनियन बताइए, आप अपने बताइए। तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें जो है क्लासिफिकेशन रूल में बता सकते हैं। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, यहां पर जस्टिफिकेशन में आपने जितने भी एग्जांपल दिए, आपने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपने जो भी करके दिखाया, उसकी हम एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि क्या ये कितना सही है और कितना गलत है। आप फैक्ट्स की बात यहां पर करेंगे, आपने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं क्या वो सही है, क्या वो सही साबित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पर आप वो करेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं किसी ने एक प्रूफ दिया है, तो आप यहां पर क्रॉस प्रूफ दे सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये आपने गलत बात बोली है, तो उसको साबित करने के लिए आप और प्रूफ दे सकते हैं, और अगर सही बोली है तो उसके लिए कुछ एडिशनल प्रूफ आप यहां पर लगा सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको साइंस के बारे में कुछ पता करना है, तो आप एक साइंस टीचर से जो एमएससी साइंस हो किसी चीज में, तो वो आप उनसे राय ले सकते हैं, वो क्या कहते हैं, दो को बुला सकते हैं, या फील्ड से किसी तीन बंदों को या दो बंदों को आप बुला सकते हैं, ताकि वो आपके इस रूल को एक तरह से जस्टिफाई कर दे कि हाँ बिल्कुल ठीक आपने बताया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये टॉपिक आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जस्टिफिकेशन होता है। बेसिकली जो क्लैरिफिकेशन में आपने, क्लासिफिकेशन रूल के अंदर जो आपने जितनी भी क्लैरिटी दी है उस टॉपिक के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, उसको आप यहां पर जस्टिफाई कर देते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका एप्लीकेशन रूल। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है,
ये आप यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स कैन टेक लर्न रूल्स इनटू अदर सेटिंग्स, देर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस की वो होनी चाहिए, एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब जो भी आपने यहाँ पर सीखा है वो आपको रियल लाइफ में आपको अप्लाई करना होता है, यही होता है एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने कोई भी पढ़ा, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, तो रियल लाइफ में आपके सामने कोई चीज होती है तो आप उसको अप्लाई कर पाए उस चीज को, तो ये होता है। साइंस में हमने सीखा है कि भाई कॉटन के कपड़े जो होते हैं उनको पहनने से वो पसीना सोख लेते हैं, गर्मी में वो पहनने चाहिए, सो आप जब भी गर्मी का मौसम होता है कॉटन के कपड़े खरीदते हैं, वही पहनते हैं, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं उस चीज की। सो एक तरह से कह सकते हैं स्टेटमेंट रूल में आप कोई भी स्टेटमेंट लेकर आएंगे, स्टेटमेंट या फिर कोई भी थ्योरी, जब जो भी आप चीज पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी प्रिंसिपल है उसको आप लेकर आएंगे। क्लासिफिकेशन रूल में आप जो है उसके एग्जांपल देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके बारे में काफी प्रूफ्स देंगे, एविडेंस देंगे, मतलब हर चीज से आप उसको प्रूफ करेंगे, एक्सपीरियंस भी लेंगे बच्चों का। उसके बाद जस्टिफिकेशन में आप उसको एक्यूरेसी उस फैक्ट को जांचेंगे, ये टीचर खुद भी कर सकता है या किसी एक्सपर्ट के द्वारा भी करवा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन, जब बच्चे उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन रूल बन जाता है। इस तरह से हेंडरसन ने चार रूल्स की बात की है, और ये चारों रूल जो है ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस पढ़ाने में ही आपके लिए कारगर है, ये चारों रूल्स आपके मैथ्स में भी हेल्प करेंगे, बट इनिशियली उन्होंने मैथ्स की बात की थी इसमें, ठीक है, इसको हम साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जनरल टीचिंग मूव्स है जो हेंडरसन ने बताए थे, और क्यों बताए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऑडियो टेप्स और इन सब चीजों को एनालाइज किया था और उसके बाद ही वो इस पर पहुंचे थे। अभी किस मेथड के अंदर आता है, ये एक्सपोजिटरी मेथड के अंदर आता है, एक्सपोजिटरी अप्रोच के अंदर आता है, ये अप्रोच एक तरह से टीचर सेंटर्ड भी है, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि ये बस टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे कोशिश मतलब काम क्या है, बेसिकली टीचर को एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक मिनिमम टाइम में जो है बहुत सारा मटेरियल ट्रांसफर करना होता है, वो यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, एग्जाम्पल्स भी ले रहा है, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करवाने के लिए भी बात कर रहा है, तो ये पूरी तरह से आपकी कह सकते हो ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो सकती है। ये मैंने शायद पहले चाइल्ड सेंटर्ड बोल दिया होगा, सॉरी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड है ये हेंडरसन का जो मेथड है जनरल टीचिंग का, है ना, क्योंकि यहाँ पे टीचर पे बहुत सारा फोकस होता है, टीचर को ही नॉलेज जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसमिशन अप्रोच है, यानी कि आप यहाँ पे नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर यह ज्यादा बेस नहीं होती है, ये टीचर डायरेक्टेड लर्निंग होती है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। सो आई होप कि मैंने काफी कुछ आपको जनरल टीचिंग मूव्स जो हेंडरसन के बारे में बता दिया होगा, नहीं मिला होगा आपको तो आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी पेन से लेकर, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं हर रूल के बारे में जो बताया उस चीज को, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, और लाइक तो कर ही दे साथ साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्ञान IQ।